ये देखो यार, हमारी ये तो बाइक है स्प्लेंडर। एंड मैंने एक चीज़ इसमें और डिस्कवर की कि ये देखो, इसके पीछे किसी का ना यहाँ पे फेस बना पड़ा है, बट पता नहीं किसका है। तो इसको हम अपनी शॉप पे जाके बिल्कुल रिमूव कर देंगे। तो चलो अभी जल्दी जल्दी हम चलते हैं। ये देखो यहाँ पे भी, ये देखो, और ये भी पेंट होगा यहाँ, और कुछ भी होगा अगर। ओके, तो थोड़ा थोड़ा काम है इसमें बाकी अभी। तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं अभी पापा की शॉप पे। मैंने इसका ना ये लॉक भी चेंज कर दिया, ये देखो न्यू डाल दिया और अभी अच्छे से ये वर्क कर रहा है। ये देखो यार, ये हमारी गाड़ी लगी है। एंड इसके आज मैंने आपको बताऊं क्या क्या किया। एक इसके ये वायर है ना, जो ये यहाँ से होके यहाँ इस साइड ऊपर से उधर जा रही थी, इसको रिपेयर किया। फिर इसमें एक कॉयल लगाया, जो हॉर्न कॉयल होता है वो लगाया। फिर बाकी इसको साफ़ किया हीट से। मैं एक बार आपको फिर से प्रोसीजर बता दूंगा बाद में। और भी बहुत कुछ छोटे छोटे काम किए, जैसे यहाँ पे मिट्टी, यहाँ पे सारे अंदर मिट्टी थी वो भी साफ़ किया। यहाँ पे ये देखो, ये हॉर्न की न्यू वायर ये निकाल के रखी है, बट इसको बाद में रिपेयर कर देंगे। एंड यहाँ पे टेप किया है, इसका हेड खोल के इसकी लाइट भी रिपेयर, मतलब ना बहुत ज़्यादा नहीं जलती थी, ये चीज़ भी हिलती थी, ये मीटर भी इसका हिलता था, सब रिपेयर करके ओके कर दिया है। अब हम जा रहे हैं घर। लो भाई, हमारी स्प्लेंडर तो आ गई। अभी कल इसका यहाँ जो टंकी के ऊपर ना पेंट होगा, पापा पेंट कर देंगे। अभी मैं जा रहा हूँ उसकी क्लच वायर जो चेंज करवाने। तो चलो जल्दी जल्दी हम चलते हैं। लो यार, क्लच की वायर ले ली, ये भाई ने दिए। मौसम बहुत गर्मी वाला है, वो हमारी बाइक खड़ी है। ये देखो यार, ये मैं इसकी वायर तो ले आया, अभी मैं घर पर इसको ना एकदम बदल लूँगा अच्छे से। तो चलो जल्दी जल्दी मैं आपको बदल के दिखाता हूँ। ये देखो यार, कैसी ना एक फालतू सा ये डाला है बस क्लच वायर के नाम पे। इसको हम खोल लेते हैं, हाथ से खुल जाएगा। ये देखो, ये वायर हम रख लेंगे क्योंकि यहाँ नहीं तो कहीं और ये काम आ सकती है। यहाँ पे भी। लो भाई, हमारी क्लच की वायर निकल गई, ये हमारी बाइक। जल्दी जल्दी अभी इसको हम फिर से ये देखो रिपेयर करते हैं। एक बात और कि जब भी आप कोई अपनी बाइक की वायर डलवाते हो बाइक में, तो उसमें इस तरह से तेल डलवा लिया करो। ऐसे ना यहाँ से तेल डलवा लिया करो, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सब वायर हैं जो प्री ऑयल्ड होती हैं, बट हमें बिल्कुल भी नहीं मानना। इससे आपकी बाइक की वायर की जो लाइफ है वो 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी। ये देखो यार, क्लच की वायर डल चुकी है अच्छे से, ये देखो। ओके, आप भी ऐसे ही घर ही चेंज कर लिया करो। मैं तो ये देखना, भी गियर डाल के देखते हैं और इसको पैर से, ये देखो, ये अभी क्लच ज़्यादा टाइट हो गया है, इसको थोड़ा सा लूज़ करते हैं। लो यार, हमारी किस्मत इतनी अच्छी, कहाँ क्लच की वायर डाली, ये स्प्रिंग टूट गया। चलो कोई बात नहीं, इसको भी ठीक कर देंगे। लो यार, बाइक का जो क्लच था वो भी रिपेयर हो चुका है, अभी ये स्प्रिंग टूट गया, ये तो मैकेनिक से ही डलेगा। एंड काफ़ी ज़्यादा अभी सही है, मतलब काफ़ी अच्छे से। हम थक गए हैं अभी, अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद कहीं और घूमने जाएंगे।